हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पीटी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट में कैसे 10 out of 10 या 10 out of 9 इजीली लेते हैं। सिंपली जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में टेम्पलेट दिखाया है, सिंपली आपको वो टेम्पलेट फॉलो करना है अच्छे से स्टार्टिंग टू एंडिंग। एक बार उस टेम्पलेट को अच्छे से देख लेना, टेम्पलेट बेस्ट है, 10 out of 10 का टेम्पलेट है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट आप फॉलो करो अच्छे, जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ स्पीकर बोल रहे हैं आपको, कीवर्ड्स राइट डाउन करो कॉपी में, अच्छे से लिखो, कोई भी ग्रामर मिस्टेक्स, वोकैबुलरी और मेनली क्या है स्पेलिंग्स मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर। हमारे 4 पार्ट्स मेन होते हैं फुली लिसनिंग के अंदर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, एंड सेकंड वन इज फिल इन द ब्लैंक्स, एंड थर्ड इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, एंड फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लिसनिंग पार्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन। बट समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर ना बिल्कुल भी स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करनी है हमको। स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो जो स्पीकर बोल रहा है ना, अच्छे से राइट डाउन करो कीवर्ड्स और टेम्पलेट में ईजिली फॉलो कर दो उनको। सिंपली आज आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट का। जैसे जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे वैसे मैं ना राइट डाउन कर रहा हूँ कॉपी के अंदर कीवर्ड्स, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेम्पलेट दिखाया है वो टेम्पलेट आपको फॉलो करना है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर 10 out of 10 ईजिली। ज़्यादा कुछ मत सोचना अपने माइंड के अंदर, खुद से वर्ड क्रिएट करने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। जो स्पीकर बोल रहा है एज इट इज वही वर्ड्स उठाओ, कुछ भी वर्ड्स ऐसे नहीं उठाने खुद से भी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बट खुद से मत बनाना। जो भी स्पीकर बोल रहा है वही राइट डाउन करो कॉपी में, वही लिखो और वही वहाँ पे पुट करना है आपको। फिर कुछ भी खुद से क्रिएट नहीं करने हैं वर्ड्स समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर। और टेम्पलेट मैंने जो दिखाया है वही टेम्पलेट आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। टेम्पलेट बेस्ट है आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए, इजिली आप 10 out of 10 इन रियल एग्जाम में अचीव कर सकते हो इसके अंदर। एक बार स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना कैसे कैसे मैं टेम्पलेट फॉलो करता हूँ और उसके अंदर कीवर्ड्स पुट करता हूँ, ध्यान से देखना। और कभी भी आपको लिसनिंग में ध्यान रखना है SST के अंदर, कभी भी खुद से वर्ड क्रिएट बिल्कुल भी मत करना। और समटाइम्स ना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना एज इट इज़ बिल्कुल मत लिखना समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर, उनको वर्ड्स में लिखना होता है। और जैसे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ना, कम से कम 7 to 8 मिनट में आप कंप्लीट कर लेना अपना SST। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कम्प्लीटली आपको क्या क्या फॉलो करना है SST के अंदर, बट आपको 7 to 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर हो सकता है तो 5 to 6 मिनट में भी कर सकते हो। उसके बाद ध्यान से देखो स्टार्टिंग टू एंडिंग, चेक करो अच्छे से कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पे ग्रामर एरर्स है, कहाँ पे वोकैबुलरी मिस्टेक है, एक बार चेक किया करो अच्छे से कंप्लीट करने के बाद। ये हैबिट बना लो SA में भी, समराइज रिटन टेक्स्ट में भी, SST में भी। अपने एक बार कंप्लीट कर लेते ना फुली, उसको चेक करो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। अगर ये हैबिट बना लोगे ना तो इजिली आप अपना स्कोर अचीव कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। एक बार पढ़ा करो कंप्लीट करने के बाद कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है। मेन स्पेलिंग्स है लिसनिंग के अंदर टोटली ना सुनने का काम होता है कि स्पीकर क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट वही वर्ड हमको ना लिखना होता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में देख लो, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में देख लो और डिक्टेशन में देख लो, कम्प्लीटली काम हमारा यही है सुनने का पूरी लिसनिंग के अंदर। और ये 4 पार्ट्स मेन है पूरी लिसनिंग के अंदर, बाकी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिंगल आंसर, ये हाईलाइट करेक्ट समरी मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जितने इंपॉर्टेंट ये सिर्फ 4 पार्ट्स है पूरी लिसनिंग के अंदर। और समराइज स्पोकन टेक्स्ट का देखो मेन आपको मैंने बता दिया, अगर आप टेम्पलेट अच्छे से फॉलो कर रहे हो और जो स्पीकर ने बोल दिया सिर्फ वो कीवर्ड्स लिख लो, और कीवर्ड्स ये भी नहीं है कि आप छोटे छोटे कनेक्टर्स एंड टू इन ऑफ एट ऐसे ऐसे नोट डाउन कर रहे हो, प्रॉपर प्लेस नेम लाइक पर्सन नेम, प्रॉपर नाउन प्रोनाउन ऐसे ऐसे उठाओ बस, सिंपली टू दी टू इन ऑफ एट ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत उठाना। कंप्लीट मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको क्या क्या फॉलो करने की जरूरत होती है SST के अंदर। एक बार कंप्लीट हो जाने दो इसको, कंप्लीट देखना मैंने कैसे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लिखा है आपके सामने है, लाइव एक्सपेरिमेंट से दिखा रहा हूँ। 10 out of 9, 10 out of 10 ईजिली इन रियल एग्जाम में।
स्टार्टिंग से देखना द टॉक डेलिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइलेंट मीटिंग्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट मीटिंग्स हैज बीन डिस्टिंक्टली एम्फसाइज्ड इन दिस लेक्चर एज इंक्लूड्स हाउ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड आर बाय अ साइलेंट मीटिंग. देखो एक बार ना स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लिख लो, फिर बाद में चेक करो कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है ग्रामर, कहाँ कहाँ पे लग रहा है कि ये नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, कहाँ पे लग रहा है कि सिंगुलर वर्ड आएगा, प्लूरल वर्ड आएगा. एस और यस का भी ध्यान रखा करो क्योंकि मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ग्रामर की आपकी SST के अंदर. और स्पेलिंग्स मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग तो बिल्कुल ईजी होती है, तो स्पेलिंग्स मिस्टेक कभी मत करना इसके अंदर. और अगर आप एपिनी पे 10 out of 8, 9 अगर 10 जा रहे हो ना एपिनी पे प्रैक्टिस टाइम में, तो रियल एग्जाम में ऑफ कोर्स यू विल अचीव योर 10 आउट ऑफ 10 स्कोर. तो अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो आप एपयूनी पे, एपयूनी की कोडिंग देखो ना सबसे हार्ड है कंपैरिजन टू अदर लाइक लैंग्वेज एकेडमी या गुरुली या आपके पेटी ट्यूटोरियल्स, सबसे हार्ड है एपयूनी की कोडिंग. अगर एपयूनी पे अपना स्कोर अचीव कर रहे हो मॉक टेस्ट में लाइक 60 प्लस जा रहे हो ऑलवेज, लाइक 62, 63, 65, 67, लाइक 60 to 70 के अंडर आप रह रहे हो, तो ईजिली रियल एग्जाम में आपका स्कोर होगा 60 प्लस. ये लिखवा के ले लेना, फिर मेरे को बोलना कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे. अगर आप 60 प्लस जा रहे हो कंसिस्टेंट, कम से कम 10 मॉक टेस्ट में, कम से कम 10 मॉक टेस्ट में आप 60 प्लस जा रहे हो ना, तभी आपको स्कोर मिलेगा रियल एग्जाम में 60 प्लस. ये बात मेरे ध्यान में रखना. सिंपली SST के अंदर कुछ भी नहीं है, आपका टेम्पलेट है जो मैंने स्टार्टिंग से बता दिया था, द टॉक डेलिनेट्स वाला टेम्पलेट है. टॉपिक रखो स्टार्टिंग में साइलेंट मीटिंग्स, जैसे द टॉक डेलिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइलेंट मीटिंग्स. देखो यहाँ पे टॉपिक आ गया, आगे टॉपिक के बाद देखो ना आगे लाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंट मीटिंग्स हैज बीन, देखो उसके बाद ना कम्प्लीटली आपको ना कीवर्ड्स डालने हैं जो जो आपके कीवर्ड्स है. और टेम्पलेट देखो ना, टेम्पलेट इतना लॉन्ग है कि आप कीवर्ड्स ना कम में भी काम चल जाएगा आपका, जरूरी नहीं कि आप कीवर्ड्स खुद से बनाओ. कंटेंट उठाने के चक्कर में आप ज़्यादा फोकस रखो इस पर, तो कंटेंट उठाने के चक्कर में ना ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. टेम्पलेट आपका लॉन्ग है, सिंपली ना अगर आप कम कीवर्ड्स भी पुट करो ना काम चल जाएगा आपका. 60 वर्ड इनफ है मेरे हिसाब से, 60, 62, 65 तक ना इनफ है SST के अंदर, इससे ज़्यादा कभी मत जाना. स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, बट वही ना कभी भी इस पर ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना. स्पेलिंग्स अच्छे से देखना और अच्छे से लिख के चलना कि देखना कि क्या लिखा है हमने, साथ के साथ देखते रहो करो. देखो 49 वर्ड, बट मेरे हिसाब से ना इसके अंदर 60 वर्ड शायद मेरे हिसाब से बेटर है, 60 या 65 वर्ड, 60-65 वर्ड आप लिख सकते हो इसके अंदर. द टॉक डेलिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइलेंट मीटिंग्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंट मीटिंग हैज बीन डिस्टिंक्टली एम्फसाइज्ड इन दिस लेक्चर हैज इंक्लूड हाउ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड आर बाय अ साइलेंट मीटिंग. मोर ओवर द स्पीकर मेंशन डिस्कशंस एट द मीटिंग. देखो ना अभी मेरा सिर्फ काम आपको ये बताने का कि स्कोर कैसे आते हैं, इसलिए आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने की जरूरत है SST के अंदर. सिंपली अगर आप टेम्पलेट लगा रहे हो, सिंपली स्टार्टिंग में उसमें डाल दो टॉपिक क्या है और उसके बाद में कीवर्ड्स, कुछ ही कीवर्ड्स में आपका काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा फोकस रख रहे हो कंटेंट कीवर्ड्स उठाने में. अगर कीवर्ड्स ज़्यादा उठाने के चक्कर में रहोगे ना और ज़्यादा लिखने के चक्कर में रहोगे ना, पक्का मिस्टेक होगी आपकी. कीवर्ड्स सिंपली डाल दो जितने उठने ना आपसे, जितने आपने कनेक्ट किए हैं कीवर्ड, जितने वर्ड आपने पिक किए हैं स्पीकर से, जो स्पीकर बोल के गया, सिंपली वो पुट कर दो. क्योंकि इसमें ना आपका टेम्पलेट आपको लॉन्ग मिलता है इसमें SST के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था टेम्पलेट, सिर्फ आपको ये टेम्पलेट फॉलो करना है इजिली 10 out of 8, 9 or 10. और क्या चाहिए आपको बोलो इसके अंदर SST के अंदर. बट याद रखना है कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लो, बट उसमें कभी भी मिस्टेक मत करना. कि स्टार्टिंग से एक बार देखना कि क्या हमने ये जो टेम्पलेट सही टेम्पलेट लगाया कि वो हमने सही लगाया. स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना कि जो भी हम टेम्पलेट लगा रहे हैं कि वो सही है या गलत है, उसकी लाइंस चेक करना. और एक बार जब भी कंप्लीट हो जाए ना स्टार्टिंग से एंडिंग तक चेक करना अच्छे से कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है.
क्योंकि अगर मिस्टेक्स चेक करेंगे ना तो तभी इसलिए अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा है आपने, लिख के अगर आपने देखा भी नहीं, सबमिट कर दिया उसको, तो मिस्टेक्स पक्का आएंगे उसमें। ओके, तो मिस्टेक्स देखना एक बार कंप्लीट करने के बाद, स्टार्टिंग टू एंडिंग चेक करना अच्छे से कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है। सबमिट करोगे आप, सबमिट करने के बाद चेक करना, देखो 64 वर्ड मेरे हिसाब से ना 60 से 65 तक बेस्ट है एसएसटी के अंदर। टेम्पलेट लगाओ, इजली बताएं आपको, कीवर्ड्स पुट करो, कीवर्ड्स पे ज़्यादा खुद से क्रिएट करने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। कीवर्ड्स खुद से क्रिएट करो, खुद से लाओ कहीं से वर्ड, ऐसा कुछ भी मत करना कहीं से भी। ओके, सिंपली जो स्पीकर बोल रहा है वहीं से कीवर्ड्स उठाओ और पुट करो टेम्पलेट के अंदर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एसएसटी के अंदर। और एक बार कंप्लीट कर लो ना, ध्यान से देखा करो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। देखो 10 out of 9.6 इजली। तो हमेशा ध्यान रखना है एसएसटी के अंदर ये चीज़ें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।